गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति शी इज, एंड आई एम प्रीति। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड उसके पास जो छोटा सा बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो लाऊं तो आप उसे मिस ना करें। आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा न्यू नायका मेकअप हॉल। कुछ कुछ मैंने नायका सेल में लिए थे एंड कुछ कुछ मैंने पहले लिए थे, तो मैं वो कंबाइन करके आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज बायोटिक का मॉइस्चराइजर। ये मैंने बहुत दिन पहले लिया था। मैं पहले जोबीज का मॉइस्चराइजर यूज़ करती थी एंड आफ्टर दैट आई थॉट कि मुझे चेंज करना चाहिए एंड उतना अच्छा उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था मुझे, तो आई मूव्ड ऑन टू समथिंग नेचुरल। मैं नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करना पसंद करती हूँ एंड ट्रस्ट मी इट वॉज लाइक वाओ फॉर मी। और आई फील दैट लाइक मेरे स्किन को जो चाहिए, जो फूड चाहिए मेरी स्किन को, वो फूड इससे मिल रहा है। मोरओवर इसमें SPF 30 है जिसके कारण मैं इसे सुबह यूज़ करके बाहर निकल सकती हूँ फॉर सन प्रोटेक्शन। एंड ये एवरी स्किन टाइप के लिए, मतलब कोई स्पेसिफिक स्किन टाइप जैसे ऑयली ड्राई और ऐसा कुछ नहीं है, ये हर कोई यूज़ कर सकता है। एंड इसका जो प्राइस था वो 199 था, जो कि मुझे मिला था 170 और 80 के आसपास। तो या दिस वन वॉज अ गुड बाय। नेक्स्ट जो है मैंने रिसेंटली परचेज किया है वो है VLCC का चारकोल मास्क, जो कि है पील ऑफ मास्क। सब चारकोल मास्क के फैन है बिकॉज ऑफ इट्स वर्क, क्योंकि ये इतना अच्छा वर्क करता है। एंड मोर ओवर इसका जो स्पेशलिटी है, VLCC इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड, क्योंकि आई हैव यूज इट एंड ये क्वाइट इफेक्टिव होता है, मतलब कम करता है इसका जो प्रोडक्ट्स है। सो मैंने ये परचेज किया था एंड इट्स 7X अल्ट्रा वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग चारकोल पील ऑफ मास्क। सो इसमें वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज है। आई डोंट केयर इन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग, बट मुझे डेड सेल्स एंड ब्लैक हेड्स के लिए मैंने ये खरीदा था एंड इट वर्क्स रियली वेल। ये सेल में नहीं था, मुझे 343 rupees ही पे करना पड़ा था, बट दैट्स ऑल्सो अ गुड डील क्योंकि ये वर्क करता है। नेक्स्ट जो मैंने परचेज किया था वो है लैक्मे एब्सोल्यूट का परफेक्ट रेडियंस कॉम्पैक्ट। ये मैंने स्पेशली समर के लिए ऑर्डर किया था क्योंकि आई प्रेफर सनस्क्रीन, लोशन एंड पाउडर, एवरीथिंग इन SPF, बिकॉज इन समर यू गो थ्रू लॉट ऑफ टैनिंग एंड वो टैन निकालते निकालते पसीना छूट जाता है। सो बेसिकली मैंने ये ख़रीदा था इन 180 rupees, जो कि मुझे 10 या 20 rupees ऑफ का मिला था। एंड इट्स परफेक्ट रेडियंस और इसमें SPF 23 है, सो या आई लाइक इट। एंड मैं भी इसे यूज़ करती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा शायद कि मैं कुछ दिनों से अपने कुछ ट्यूटोरियल्स में इसे यूज़ कर रही हूँ। सो या दिस वन वॉज ऑल्सो अ गुड परचेज। जो लोग मेरे वीडियोस फॉलो करते हैं उन लोगों ने शायद नोटिस किया होगा कि मैं अपने नेल्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ एंड आई लव नेल पॉलिशेस। सो मैंने और मुझे नेल पॉलिशेस में न्यूड शेड ज़्यादा पसंद है, सो मैं न्यूड शेड पे जाती हूँ एंड पिंक शेड नेल्स के ऊपर। बट रिसेंटली आई ट्राइड दिस ग्रीन कलर, जो कि मैं चेंज करने वाली हूँ। सो आई हैव परचेज दिस मेबलिन कलर शो एंड इसका जो नेल पॉलिश है, का जो शेड है वो है कोरल क्रेज 211। ये एक बहुत ही प्रिटी सा एक कलर है, देख सकते हैं, बहुत प्रिटी एक पीच, लाइट पीच कलर का है। दिस वाज क्वाइट गुड परचेज, बट आई प्रेफर कि ये जो कलर है थोड़ा सा वाइब्रेंट ज्यादा है, मुझे थोड़ा सा न्यू शेड पसंद है। सो दिट वाज ओके। नेक्स्ट सबका फेवरेट, कोई भी शॉपिंग करे तो लिपस्टिक तो हर कोई खरीदता है जस्ट लाइक मी। सो मैंने परचेज किया था नायका का मिनी लिपस्टिक एंड इट वाज अराउंड 199 rupees। या सो आई एम वेयरिंग द शेड, यू कैन सी, एंड इट्स कम्प्लीटली मैट। आई हैव अप्लाइड अ लिक्विड मैट आउटसाइड, दैट वाज अ हुडा ब्यूटी, एंड इन द इनर सेक्शन आई हैव अप्लाइड दिस। एंड दिस वॉज अ नाइस परचेज, बट मैं कहूँगी कि ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि इतना छोटा है, आप देख सकते हैं कितना छोटा है। मैंने थोड़ा सा बड़ा एक्सपेक्ट किया था, बट इट्स मिनी, सो या ओके, मैं नेक्स्ट टाइम से एक्सपेक्टेड रखूँगी कि ऐसा आने वाला है।
बट इट्स गुड टू गो क्योंकि आप एक कलर चूज कर रहे हैं, आपको कम रुपीज़ पे करना पड़ रहा है. फिर आप अगर देखेंगे कि ये आपको कलर सूट कर रहा है तो आप इसका जो ग्रेटर साइज है, लार्जर साइज है, वो आप ऑर्डर कर सकते हैं. सो दैट्स अ प्लस पॉइंट ऑफ यूजिंग मिनी लिपस्टिक. सो या दिस वन वॉज ऑब्वियसली अ गुड परचेज. नेक्स्ट जो चीज़ मैंने परचेज किया था अगेन वो है नायका का प्रोडक्ट एंड वो है ब्लैक मैजिक लिक्विड लाइनर 01 इन ब्लैक कलर. और ये जेट ब्लैक कलर है. आई मीन इसकी डेंसिटी बहुत अच्छी है, यू कैन सी बहुत डार्क है एंड इससे बहुत अच्छा एक विंग क्रिएट होता है. मैंने ये अप्लाई नहीं किया है बट क्योंकि इसका जो फिनिशिंग है वो ग्लॉसी है, मैट नहीं है. बट आई प्रेफर मैट मोर. मुझे नहीं पता था कि ये ग्लॉसी की है, नहीं तो मैं नहीं लेती क्योंकि आई डोंट प्रेफर ग्लॉसी आई लाइनर्स, मुझे उतने ज़्यादा पसंद नहीं है. मैट फिनिशिंग मुझे ज़्यादा पसंद है बट इट्स फाइन, मैं यूज़ करती हूँ एंड बिकॉज ऑफ इट्स ब्रश आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से विंग क्रिएट किया जा सकता है. पतला है, बहुत थिन ब्रश है इसका एंड ये मुझे पड़ा था अराउंड आई डोंट रिमेम्बर, मैं स्क्रीन में कहीं मेंशन कर दूंगी. बट दिस वॉज ऑल्सो अ गुड परचेज बट नॉट सो गुड, आई मीन नॉट द बेस्ट बट या ओके. नेक्स्ट मैंने परचेज किया था एसेंशियल ऑयल जो कि है नायका का और ये मैंने बेसिल का लिया था. सो ये एक ड्रॉपर सिस्टम में आता है जहाँ पे आपको मतलब इसका प्लस पॉइंट है कि आप वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये ड्रॉपर जितना आपको अमाउंट चाहिए उतना ही अमाउंट आप उसमें से ले सकते हैं. एंड मैंने बेसिल लिया था फॉर माई हेयर्स एंड आप इसे स्किन में भी यूज़ कर सकते हैं. सो मैंने अभी तक इसे यूज़ नहीं किया है, रिसेंटली अभी अभी आया है. सो इसका जो प्राइस है 350 रुपीज़ था एंड मैंने इसे 200 समथिंग में पे किया था जो कि बहुत ज़्यादा लेस है. मुझे पिंक सेल में, हॉट पिंक सेल में ये मिला था एंड या आई एम लविंग दिस. मैंने सुना है कि बेसिल टेंशन रिलीफ करने में भी हेल्प करता है, हेडेक एंड टेंशन. सो आई फील लाइक यार ये इसका सेंट जो है बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है. मतलब थोड़ा सा अगर कॉटन बॉल में लेके आप जब सोने जाएंगे, आप उसके बेड के पास रख देंगे तो आई थिंक इट विल वर्क वेरी गुड क्योंकि इससे आपको स्लीप भी अच्छा होगा एंड जो टेंशन है बहुत ज़्यादा मतलब आपको रिलैक्स फील होता है. सो मैंने ये लिया था एंड मैं यूज़ करके ज़रूर इसका अलग से रिव्यू पोस्ट किया. एंड जो लास्ट प्रोडक्ट है इस हॉल का वो है मेरा फेवरेट जो कि है निक्स का कंसीलर एंड ये है HD स्टूडियो फोटोजेनिक कंसीलर एंड करेक्टर जो कि है निक्स प्रोफेशनल का. जो मैंने शेड, मेरा शेड है वो है CW05. कवरेज की बात की जाए एंड ओवरऑल इसका जो टेक्सचर है एंड फिनिशिंग है एवरीथिंग इज वाओ. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. आई एम नॉट ग्रेट फैन ऑफ कंसीलर्स, आपने देखा होगा मैं बहुत ज़्यादा कंसीलर यूज़ नहीं करती हूँ बट स्टिल आई थॉट कि मुझे निक्स का ये ट्राई करना चाहिए एंड इट वॉज इन सेल. सो इसका प्राइस जो है मैं मेंशन कर दूँगी एंड ओवरऑल इट्स अ ह्यूज वाओ प्रोडक्ट एंड आई विल गिव 2 थम्स अप टू दिस प्रोडक्ट बिकॉज बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाता है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. बहुत सारे कंसीलर मैंने देखे हैं कि क्रीजेस क्रिएट कर जाता है बहुत ज़्यादा. ये बहुत लाइट वेटेड है एंड ज़्यादा फील नहीं होता है एंड क्रीजेस भी उतने ज़्यादा क्रिएट नहीं होते. सो दिस वन वॉज अ ऑसम पर्स. तो यार ये थे सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने नायका से परचेज किए थे और मैं इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. अगर आपको कुछ भी ख़रीदना है तो आप ख़रीद सकते हैं एंड मैं अपना रेफरल कोड भी दे दूँगी जिससे आप अगर ख़रीदेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा. सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर. थैंक यू, लव यू ऑल. Wearing this shade, this shade. So I'm wearing this shade, this shade.